और खबर हरिपुर जौनसर बावर से। जौनसर बावर में भी चला प्रशासन का पीला पंजा, लगभग 15 मकान किए गए ध्वस्त। अनिल दुबे की रिपोर्ट। जौनसर बावर के कालसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत लगभग 15 मकानों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। आपको बता दें, सरकारी भूमि पर जहां इस समय प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य चल रहा है, वहीं कालसी तहसील अंतर्गत जौनसर बावर के मुख्य द्वार पर ग्राम पंचायत व्यास लहरी हरिपुर में भी लोगों ने बड़े बड़े मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसका संज्ञान लेते हुए कालसी तहसील की टीम और कालसी पुलिस की निगरानी में अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर मकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन से कई मकान धराशायी किए जा रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि विकास नगर के कैनाल बाईपास धनवंतरी चौक पर भी सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग अभी तक मौन है। अब देखना होगा कि इन पर कब प्रशासन का पीला पंजा चलता है। यह अभी बंडा जी हमारा मकान, ठीक है, रजिस्ट्री हमारी बहुत पहले की करी हुई है, हमको कोई सूचना नहीं मिली किसी की भी, नहीं कोई सूचना लिया मैं, जरा हमारा साइन भी दिखा दो, अगर किसी ने हमारे साइन कर रखे जरा मिला दो साइन। क्या कह रहे अभी अब ये उनको हम कह रहे कि तोड़ रहे हैं, हमें बोला हमको हमें सूचना दिखाओ, हमारा कोई नोटिस नहीं हमारे पास, फिर हम इस बार फिर हो रहे जो हमें किसी का नोटिस नहीं मिला, कोई सूचना नहीं मिली हमें, अगर सूचना मिल जाती तो हम खुद तोड़ देते मकान को, ठीक है, और आज भी हम तोड़ रहे हैं, आज भी हम लिख के दे रहे हैं, अगर मतलब हमारा मकान टूट रहा है आप निशान लगा दो जितनी जितनी। इसको ये कहेंगे ये जब तक हमारे, हम तो ये कहते हैं हमारा जब तक खेत नहीं नपे तब तक तो मैं गलती मानता हूँ। आप कभी जा रहे हैं इसमें? हाँ, मेरा 45 मीटर 2.5 फीट थोड़ा। ये जो अभी यहाँ पे जो बाउंड्री वाल दिखाई दे रही है, बाउंड्री वाल आप ही की टूटी है? हाँ, ये 45 मीटर है गन्ने के पास। तो आपको कोई नोटिस दिया गया था नोटिस, उसमें एक महीने का टाइम दे रखा था, उस टाइम तो 70 सेंटीमीटर नाप रखा था सर, पीडी जोशी पटवारी था, 70 सेंटीमीटर नापा था, यदि हम तोड़ देते और आप 270 नाप दिया तो हमारा दोबारा नुकसान हो जाता ना, ये नुकसान तो होता ही एक दफे, दोबारा फिर वो नाप उसका तोड़ना पड़ता है। ये तो देखो जी, जहाँ गलत है वहाँ तो गलत है, जब तक नपा नहीं है तब तक ऐसे नपाई नहीं होते कि सड़क से नाप दिया और नहर से नाप दिया, नहर से नापो तो वो भी नाप। यहाँ पर लहरी में सरकारी रास्ता था, सरकारी रास्ते में लगभग 15 व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके भवन निर्माण किया गया था, जिसमें शिकायत का संज्ञान लेते हुए कोर्ट में इसमें 133 के तहत सुनवाई की गई, और सुनवाई के बाद इसमें अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद इसमें निर्णय पारित किया गया कि अतिक्रमण इसमें हटाया जाए, और अतिक्रमणकर्ताओं को लगभग 1 माह का समय स्वयं हटाने के लिए दिया गया था, लेकिन 1.5 माह से अधिक समय के बाद भी इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया गया, तो आज इसमें नियमानुसार के हैं बलपूर्वक अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। मैम, कुछ लोगों का कहना है कि वो 1930 से रह रहे हैं यहाँ पर। जो उनकी रजिस्ट्री वाली जमीनें हैं उनमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जो रास्ते पे अतिक्रमण करा हुआ जितने हिस्से पे उसी पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, रास्ते के आसपास उनकी अपनी जो जमीनें हैं, जो रजिस्ट्री की जमीनें हैं उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर अधिकार है उनका, उन पर रह रहे हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।